भैया ज्ञान भी दीजिए, आप किताबें ना पढ़िए, वो तो उस दिन की बात थी। आपने जब परसों कहा ना, तो हमको आपने एक बहुत ही अच्छा गुरु जी की एक घटना याद दिला दी थी। हंसे भी थे पर बोले नहीं थे। गुरु जी ने हमसे कहा, बीरू जहां हो खड़े हो वहीं बैठ जाओ। हम वहीं फट से बैठ गए, क्योंकि गुरु जी बात एकदम, एक बार गलती की थी उसके बाद से मैं संकल्प किया था जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे, वहीं बैठ गए। दो महीने बाद गुरु जी ने कहा कि किसी लड़की को कहीं ले जाना था किसी के पास भेजने के लिए, तभी तो खड़े हो गए, कहले इसको ले जाओ और वहां छोड़ जाओ, लेकिन दूर दूर जाना। अच्छा, अब हम वहां से मन में स्कूटर पे जाएंगे तो दूर दूर कैसे जाएंगे, अब ये तो समस्या हो गई। तो खैर हम स्कूटर पे हमने गुरु जी से ये सब नहीं कहा, इनसे भी कह दीजिए पीछे खिसक कर बैठेंगी, ये सब नहीं कहा। हमने कहा गुरु जी के सामने कुछ कहना ठीक नहीं, और हम इसकी अपनी गद्दी को आगे खिसक खिसक के बैठे, गाड़ी चला के छोड़ के आए। तो जैसे ही आपने कहा तो हमको वो दृश्य, वो सीन याद आ गया, हंसी भी बहुत करती आई, पर हमने कहा अभी हंसना ठीक नहीं है इस समय। वो वाक्य भी ऐसा मजेदार था कि लोग गुरु जी ने लड़ उठ के पूछा, ठीक सर छोड़ के आए थे? हमने कहा हाँ सर, वैसे ही छोड़ के आए जैसे आपने कहा। तो हमने लेकिन बहुत क्या है कि कोई बात किसी के मुंह से निकलती है इस सत्संग में, खासतौर से बोल रहे हैं, वो कोई ना कोई गुरु जी की ऐसी चीज याद दिला देती है कि जो बहुत मजा दे जाती है। वो हमको गुरु जी का इतना कम से कम नहीं होगा तो 35-40 साल पुराना, शायद उससे भी ज्यादा पुराना हो, तो वो सीन हमारे आंखों में आ गया। हम कैसे बैठ गए थे जब गुरु जी ने कहा था वो भी आंख में आ गया, और जाने को जब कहा तो कैसे गए थे ये भी ध्यान आ गया। तो गुरु जी की बहुत याद आ गई एकदम से आपके इतने से बोलने पर। मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, यहां जो भी आया गया हाथ मल के, न पाई किसी ने मोहब्बत की मंजिल, कदम डगमगाए जरा दूर चल गई। चढ़ाई का रास्ता है इसीलिए कहता है, प्रेम की मंजिल पाना बड़ा कठिन है, ज्ञान की बातें थोती है जो बड़ी जल्दी आती है, पर प्रैक्टिकल करना बड़ा कठिन है, कितने लोग ज्ञान की खाली बात करते हैं। दीदी आ गई है सर, हमारा नेट कट गया था। हाँ आपका नेट चला गया। हाँ दीदी बोलिए। नेट कट गया था, हमें तो पता ही नहीं चला कि नेट कट गया। हम बोल वही तो। नेट कट गया था। वहीं से बोलिए जहाँ से नट गया था। पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं कहाँ से गया था, बताओ कहाँ से गया था। हम क्या बताए, हम तो जुड़े हुए थे, नेट बाहर से गया था, अंदर का नेट चालू था। हमको नहीं पता कहाँ से गया, कहा आखिरी बात क्या थी, हम क्या पता, तुम बताओ क्या कह रहे थे, हमें तो नहीं पता, हमारा तो जुड़ा हुआ था नेट। हमारे तार जुड़े थे, नहीं पता था, बताओ कहां से छूटे थे। अभी तो हमें भी याद नहीं। मैं आप कह रही थी कि अंदर के भाव को गुरु पहचानता है, इतना बोल के फिर आवाज अंदर को नहीं आ रही थी। अच्छा, हम जाग गए, अब तुम बताओ जो बताना है, जब हमें दिमाग में आएगा तब हम बताएंगे। वो आपने चोर वाली बात बताई थी। कौन सी? वो चोर जो था, उसके गहने उनके चुराने के लिए वो उनके साथ एक हो। क्योंकि जब भगवान से जुड़ जाता है, जब भगवान में मन लग जाता है, तो फिर भगवान जो है वो
बाहरी कोई कहे कि गलत उद्देश्य से उसने तो चोरी के लिए भगवान को खोजा था, उसको भगवान क्यों मिले? क्योंकि खोजा तो भगवान को ही था ना। भगवान को खोजो, भगवान तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब मिल पहुंच हो जाती है तो सरल हो जाती है, फिर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पात्र तो भगवान भक्त तो अपने जैसा अपने आप बना ही देता है। जुड़ पाना यही भाग्य की बात है, पात्रता यही है कि हम भगवान से जुड़ पाए, संयोग ऐसा हमारा ऊपर कृपा मिले भगवान की कि हम भगवान से जुड़ सके। बाकी सब साम्राज्य तो भगवान अपना स्थापित करते हैं। भगवान का प्रवेश होगा, भगवान आएंगे हृदय में बैठेंगे आके, तो उसको मंदिर तो अपने आप बना देंगे, उसको वैकुंठ तो अपने आप बना देंगे। वैकुंठ के लिए कोई प्रयास कोशिश नहीं करनी पड़ती है, खाली मन को भगवान से जोड़ने की क्रिया करनी पड़ती है। हमारा मन भगवान से जुड़ जाए इसके लिए हमको प्रयासरत होना पड़ता है, और कुछ नहीं करना है। भाग्य से भगवान मिलते हैं, भाग्य से संग मिलता है, भाग्य से नजर मिलती है, भाग्य से वो आकर्षण मिलता है जिस आकर्षण में हम खींचे बंधे चले जाते हैं भगवान। किस्मत बन जाती है, हमारी किस्मत बनती है भगवान के संयोग से, भगवान की कृपा से। जहां भी हो, पाताल में हो वहां भी काम बन जाता है, आकाश की ऊंचाइयों पर हो वहां भी काम बन जाता है। खाली जुड़ पाने की कृपा बस, इतना भगवान की नजर मिल जाए। हमें तो इनका भजन बहुत अच्छा लगा, वैकुंठ तो वही है, हृदय में रमा, हृदय में भगवान रम जाए, अंदर में भगवान उतर जाए, हम भगवान की प्रीत अपने अंदर में जगा सके। ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ा हमारी क्रिया मान ली जाए, हमारा सौभाग्य मान लिया जाए, हमारी लगन मान ली जाए कि हम भगवान से जुड़ पाए। बस हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, भगवान हमारे ऊपर अपनी मेहरबानी कर दे, बस इतना ही हमको चाहिए भगवान से। बाकी तो सब भगवान अपने लायक बना ले। सोने को गढ़ने के लिए अभी यही सोने की भी बात है, जब उसके पास सुनार के पास जाता है तो सोने की कीमत नहीं होती, लेकिन जब गढ़ जाता है तो वो जेवर बन जाता है, इस्तेमाल में आता है, काम में आता है। हमारा भी उपयोग जब भगवान का संग पाते हैं तब हम उपयोगी होते हैं, अच्छे बन जाते हैं। अच्छा बनने के लिए संग मिलना जरूरी होता है, जैसा वो चाहे वैसा बन पाए। ये इतना बस हो जाए, समर्पण हो जाए हमारा भगवान से कि हमारे को भगवान अपने माफिक बना सके, जैसा चाहे वैसी रचना हमारी कर सके, भगवान के हाथ में हम आ जाए, निर्माण तो बहुत अच्छा हो जाएगा। निर्माण के लिए फिर कुछ शंका नहीं करनी पड़ेगी, भगवान बहुत अच्छा निर्माण करता है। भक्त को कितना अच्छा बना देता है भगवान, आदर्श बना देता है, वो देख के लगता है ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ऐसा भाव भगवान से जुड़ना चाहिए, ऐसा समर्पण भगवान में होना चाहिए। एक एक समर्पण, एक एक भाव बहुत महान है, बड़ी भगवान की कृपा है। खाली हम जुड़ पाए भगवान से, हमारा सौभाग्य है। भगवान से जुड़ना ही सबसे बड़ा भाग्य है, सबसे बड़ी भक्ति है कि हम भगवान से जुड़ पाए, भगवान में लग पाए, भगवान को में समाहित हो, जागृति विलीन हो जाए। भगवान हमारा अच्छी तरह से, जैसे आटे की लोई होती है वो कैसे कुछ कहती नहीं है, जैसे चाहो वैसे बना लो, जो शेप चाहो वो शेप दे दो, कुछ भी कहती नहीं है, बहुत अच्छी बन जाती है क्योंकि वो बनाने वाले के हाथ में होती है। हम भी बनाने वाले भगवान के हाथ में उस लोई जैसे है, जिसको वो बहुत अच्छी रोटी बना देता है, बहुत अच्छी बना देता है। तो अच्छाई वो हमारी नहीं है, वो अच्छाई वो उस बनाने वाले की है जिसके हाथ में हम चले गए, जिसके संग में संग हमने पा लिया। भाग्य हुआ जो संग मिला भगवान का, ध्रुव ने भगवान का संग पाया, ध्रुव तारा बन गया। तो ध्रुव की कमाल नहीं थी, उस संग की कमाल थी, जिस संग ने उसको अपने साथ हमेशा रख लिया। भगवान एक थोड़ी देर के लिए नहीं मिलता है, हमेशा के लिए मिलता है। भगवान पाने के बाद फिर भगवान छूटता थोड़ी, छोड़ता नहीं है। भगवान मिलने और बिछड़ने वाला भगवान नहीं होता, मिलके हमेशा रहने वाला भगवान।
उससे मिलके हमेशा एक होके रहे। तो बुढ़िया कुछ कहो, क्या कहे क्या कहे? सही कह रही है, क्या कहें, कुछ शब्द नहीं है, बहुत सब कुछ गुरु जी ही है। जिसको चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा उसके अंदर ताकत भर देते हैं, भाव भर देते हैं, सच्चाई है सब कुछ गुरु जी। भगवान की लीला निराली। निराली है लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। ये नटवर निराली है लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है तुम्हारी। जिसे जैसा चाहो बना कर निकालो, जिसे जैसा चाहो बना कर मिटा दो, की है सस्ती सब नाट्यशाला तुम्हारी, की है सस्ती सब नाट्यशाला तुम्हारी। ये नटवर निराली लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। भिखारी हो कोई तो कोई है राजा, भिखारी है कोई तो कोई है राजा, नचाती नटों को ये माया तुम्हारी, नचाती नटों को ये माया तुम्हारी। ये नटवर निराली है लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। जो है प्रेमी जन वो यही चाहते हैं, जो है प्रेमी जन वो यही चाहते हैं, हृदय में रहे प्रेम प्रतिमा तुम्हारी, हृदय में रहे प्रेम प्रतिमा तुम्हारी। ये नटवर निराली लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। ये नटवर मेरा ली है लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। उसकी महिमा को कहा जाता, उसका आनंद ले सकते हैं बस, उसमें समाहित होके उसके खेल पे आनंद ले सकते हैं, नजारे देख के उसकी महिमा, उसका विस्तार, उसकी महिमा, उसका समष्टि में समाहित। कहते हैं सब जगह वो है, व्यष्टि से समष्टि सब क्या है, क्या ज्ञान है, कुछ ज्ञान तो होता है। भगवान की महिमा बड़ी अनंत है, बहुत अच्छा लगता है, भक्त बस आनंदित होते हैं, क्योंकि उसका पार नहीं पा सकते हैं, लेकिन आनंद जरूर ले सकते हैं उसमें मिलके।
कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे भोग विलास कर, चाहे भक्ति कमा। चढ़ाई का रास्ता है, इसीलिए कहता है प्रेम की मंजिल पाना बड़ा कठिन है। ज्ञान की बातें छोटी हैं जो बड़ी जल्दी आती हैं, पर प्रैक्टिकल करना बड़ा कठिन है। कितने लोग ज्ञान की खाली बात करते हैं। करतूत पशुओं की मानुष जात, लोग पचारा करे दिन रात। ज्ञान तो बोलते हैं पर उस पर अमल नहीं कर पाते। एक भी शंका करोगे तो हमारे पास नहीं आ पाओगे। एक बार राम को सांपों ने बांध लिया तो भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, जाओ सांपों को खाकर राम को सांपों से मुक्त करो। तो गरुड़ को शंका हो गई कि यदि राम भगवान होते तो खुद ही मुक्त हो जाते। मन में इतनी सी शंका आते ही गरुड़ की भगवान से दूरी हो गई। तब गरुड़ को चिंता हुई कि भगवान उस पर क्यों नहीं चढ़ते। सबके पास कारण पूछने गए गरुड़। किसी ने कहा, काग भुशुंडी के पास चलो। जब काग भुशुंडी का स्थान चार कोस दूर रह गया तो वहीं से गरुड़ को आराम आने लगा, क्योंकि काग भुशुंडी जहां रहते थे वहां से चार कोस तक की जगह शुद्ध रहती थी। अतः काग भुशुंडी के पास जाकर गरुड़ ने जब अपना समाधान कराया तब भगवान उससे प्रसन्न हुए। हम लोग गुरु जी के पास जैसी पहुंचते थे तो बिल्कुल स्वाभाविक सच्ची बात है ये। हमारे तो अपनी सच्ची है बात और नहीं जानते कि जैसे गुरु जी के पास से गए, रात हो गई तो गुरु जी के पास से जैसे गए तो वही सही बात है कि बैटरी थोड़ी थोड़ी तो डिस्चार्ज होती है। तो जैसे गुरु जी के पास पहुंचने तक बड़ी जैसे एक बेचैनी, बड़ी इंतजारी जैसे कुछ होती। जैसे ही गुरु जी के पास जाते और बैठते थे, बैठते ही तुरंत ऐसा लगता था कि जैसे बैटरी पूरी एकदम से चार्ज हो गई, एकदम शांत हो गया, विचार मन का चलना सब खत्म से बंद हो गया। ये तो गुरु जी की महिमा है। जैसे इसमें जो लिखा है ना, गरुड़ को शंका आ गई है ना, तो भगवान से दूरी हो गई। तो ये हम सबके कहीं ना कहीं अनुभव में होगी ये बात। बात उसकी बताइए, उसमें उस समय क्या हम लोग की दशा होती है? उस समय भक्त तो हम भी हैं गरुड़ के। अगर गरुड़ कभी रहे होंगे भक्त उनके जीवन में राम थे, तो हमारे जीवन में भी हमारे गुरु और हम भी भक्त पक्की बात है। तो हमारे जीवन की भी तो कोई ऐसी होगी जहाँ उस समय हमारी दशा क्या हुई होगी। उस समय जब ये तो ऐसा है, चलते चलते अनुभव होते होते अकाल आती जाती है, यहाँ इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है। तो एक बार गुरु जी की बात, नया नए हम थे तो ज्यादा समझ नहीं थी, तो गुरु जी की बात नहीं मान करके नहीं गए थे। कहीं गुरु जी ले जाना चाहते थे हमको। उस वक्त ऐसी परेशानी हुई कि हमको यहां तक ख्याल आने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरु जी के आने से पहले ही मतलब हम न रह पाए, खत्म हो जाए। इतनी तक परेशानी हुई थी और उसको हम पूरा बता नहीं पा रहे। वो तो अनुभव की बात है, जिसके ऊपर बीतती हुई समझता है। वो हमने पहली बार ये महसूस किया कि देखो हमने भगवान जी की बात न मान करके, या कुछ मन में आ गया था कि हम क्यों जाए, कहे जाए, तो कुछ किसी ना किसी ऊपर शंका ही की बात तो ही। वो उस समय हम बहुत ऐसी तकलीफ हुई, जैसे लग रहा है कि दिल सूखा जा रहा है और ये महसूस हो रहा है कि अब गुरु जी जल्दी आ जाए, ना कहीं ऐसा ना हो, मतलब ऐसी ऐसी बातें होने लगी मन में। हमारा जब आए तो हमने उनको बताया कि गुरु जी आपकी बात पे हमारे मन में ऐसा मन चल गया और हम आपके साथ जाने से मना कर दिया।
हमारे मन में ऐसा आ गया कुछ विचार कि अरे हमको ले जाने को क्यों कह रहे हैं, तो जैसे किसी प्रकार की शंका ही तो कही जाएगी कि क्यों हमको कह रहे हैं। लेकिन गुरु जी का कुछ थोड़ी होता, वो तो हमको बनाने के लिए चाहते हैं, ये सब तब कहाँ अकल होती है। बिल्कुल हमारे पास इसका अनुभव है, हम आपको किसी शंका से बताइए जब कर रहे थे तो हमें अपनी ही याद आई अपने साथ की, ऐसे ही मन आ गया गुरु जी के प्रति किसी बात को लेके। गुरु जी रूठ गए, मन नहीं आया, गुरु जी रूठ गए और उसके बाद हम घर गए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमको अंकुर की शक्ल देख के ऐसे लगे हाय इसने पता नहीं कुछ खाया कि नहीं, मेरे बच्चे ने दो चार घंटे से दूर है, पता नहीं इसने कुछ लिया कि नहीं लिया। जब हमको ये सब महसूस हुआ, बड़ा मोह, बहुत मोह, मोह के इतनी जैसे कसक लगे अंकुर को देख देख के, और रोना भी आए। तो हमको उसी समय गुरु जी के घर से ही आए थे सत्संग करके, गुरु जी रूठे हुए थे हमसे, लेकिन पहले ये बात मालूम थी हमको कि हमें घर जाना है, तो घर आ गए थे। और घर आए तो ये भी मालूम था कि गुरु जी ने कहा था सर धो लेना, तो गुरु जी के वचन के हिसाब से सर धो रहे थे। तो धोते धोते बाथरूम में मुझे विवेक जगा, ए राम हमको ऐसा लगता है कि हमारे विकार सब चले गए ना, मेरे अंदर मोह है ना, लोभ है ना, क्रोध है ना, कुछ है, लेकिन सारे विकार जो हमारे थमे दिखते हैं, हमारे शासन में दिखते हैं, उसका कारण सिर्फ गुरु की कृपा की नजर है, अन्यथा हम वही के वही हैं आज भी। ये सिर्फ जैसे कहते हैं शेरनी का दूध संभालना पड़ता है, शुद्ध पात्र एक साधारण दूध भी संभालना पड़ता है मौसम के हिसाब से, ऐसे ही गुरु जी के जीवन में संभालना पड़ता है अपने, बाकी उनकी नजर को संभालना पड़ता है। उस उनकी नजर को संभालने के लिए ही मन में चाहे सब कुछ है, लेकिन हमको आपको अपने इंद्रियों को उनके विचार से चलाना पड़ता है। और तभी गुरु जो कबीरदास जी ने बोला ऐसा व्रत रखे राख सके न कोई, एक घड़ी बिसरो राम को ब्रह्म हत्या, क्योंकि इंद्रियों का व्रत कठिन है, सब हम लोग कर लेंगे, पहाड़ चढ़ जाएंगे, बड़े बड़े नदी पार कर लेंगे, समुद्र तैर के पार कर लेंगे, लेकिन ये जो है ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो ये मुझे मन से निकल पाना उनकी कृपा के बिना असंभव है, उनकी कृपा की नजर से ये भूत जो है, जो भूत बनकर हमारे पीछे लगे रहते हैं हमारे विकार, ये सिर्फ ठहरे जो दिखते हैं वो उनकी कृपा की नजर से। हम भले कुछ भी समझने, इसलिए दूसरा खराब नहीं लगता, दूसरे का ये नहीं लगता है, लगता है कृपा की नजर नहीं है इसलिए ऐसा है, कृपा मिलती है तो हम भी तो ऐसे ही है, कृपा ना हो तो हम भी इसी तरह के तो है, सारे विकार जहां की तहां है, जस की तस, उतने ही अहंकार और उसके सारे बच्चे भाई बंधु विकार सारे। तो ये बिल्कुल है ना कि चैन नहीं आता है। कभी उस दिन अनुभव हुआ, उसके बाद उस समय हम किताब शुभ जो एक पहले लिखी थी गुरु बोल करके छोटी किताब, वो उसकी तैयारी में थे, तो वो उसमें फिर हमने उसके जो शुरू में लिखा जाता है ना दो शब्द, उसमें हमने एड ऑन किया था ये बात कि गुरु की कृपा की नजर से ही सब थमा दिखता है, अन्यथा सबके सब भूत की तरह से विकार खड़े हैं और हमको और आपको बड़ी बेचैनी, क्योंकि उन्हीं में तो सब झुलस रहे हैं। गम की आग क्या है, यही तो है, अन्यथा का गमों में भी पता नहीं चलता, बिजलियों में भी कुछ पता नहीं चलता है, तो गम की यही आग, जो विकार हमारे हमको तकलीफ देते हैं, दूसरे को क्या देंगे, हमारे विकार हमको देते हैं, आपके विकार आपको देते हैं तकलीफ, पर इन विकारों में भूत है, भूत चढ़ जाए तो कैसा होता है।
तो भूत हमारे वश में ना होके भूत किसके वश में है, हम भूत के वश में है। तो वही गुरु जी अपनी कृपा से सब भूतों को शांत करे रहते हैं। ये मतलब खुद का अनुभव है। लोग हमारे पहनने ओढ़ने में शंका करते हैं, हम क्या करें? हम तो किसी से नहीं कहते कि हमको माला पहनाओ साड़ी पहनाओ। लोग भाव से प्रेम से लाते हैं तो हम क्या करें? हम मजबूर हो जाते हैं पहनने को। साधु और भगवान में बड़ा अंतर है। साधु भगवान को पाने के लिए साधना करता है, पर भगवान भगवान है, वह स्वयं ब्रह्म है, तो किसकी आराधना करे? मन ऐसा कुत्ता है कि अगर कोई अच्छा काम कर दिया है तो उसको सदा याद रखता है। मन ऐसा कुत्ता है कि अगर कोई अच्छा काम कर दिया है तो उसको सदा याद करता है। हमको अपनी एक करतूत, एक ही बार ऐसी हुई, लेकिन दोबारा कोशिश गुरु जी की कृपा ऐसी थी कि रिपीट नहीं होने पाई भगवान जी के साथ में। तो अपनी एक गलती हमेशा हमको उससे सुधार तो हो गया जरूर, लेकिन हमको उस गलती पर भी ये पछतावा आज तक होता है कि हमने ये गलती करी क्यों। हमने गुरु जी का थोड़ा सा कुछ एक मदद का काम तक किया, लेकिन देखिए मन ऐसा होता है कि पता नहीं उससे कई गुना ज्यादा कितनी क्या क्या गुरु जी ने हमारे साथ किया होगा। लेकिन हम अपने मन को तब डांटते थे, यार थोड़ा सा किया है, यही बाबा याद क्यों आता है हमको, यही क्यों याद दिलाता है हमको, बार बार वही चीज याद आती थी। तो हम अपने को पूरी अंदर अंदर डांटते थे, देखो कैसी गंदी हरकत है इस मन की, कितना भगवान जी हम लोग के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, और थोड़ा सा कुछ अगर भूमि हो गया, कर नहीं दिया, हो गया तो वो भी याद करता रहता है, वो याद दिलाता रहता है, ये मन का काम है। उससे अब यही पर जो अभी बात चली थी कि मन को, आपने भी बोली हो, बात चली हुई थी कि अपने को रोकना पड़ता है, कि अपने को अगर प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे इस चीज को कि जरा सा कर दिया तो इतना उसको याद आ रही, क्यों आ रही, याद आ रही, उसमें अलग अलग है। अगर आप ये गुरु जी के द्वारा ही तो हम लोग का ये अभ्यास पड़ा कि करने से हम किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा अपना ही कल्याण कर रहे हैं। ये मतलब 100% शायद कम बात है, ये इससे भी कुछ आगे हजार हजारों लाखों प्रतिशत ये बात सही है। ये गुरु जी ने अनुभव कराया है कि हम किसी का कुछ नहीं करते, अगर हम जो करते हैं तो वो अपना ही हम भला करते हैं। जब आप किसी भी करते समय अगर आपके दिमाग में ये बात रहती है कि हम अपना कल्याण कर रहे हैं, तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। कोई याद दिलाएगा कि आपने ऐसा किया था तो याद आ जाता है, वो भी भूले से आ जाए याद, अच्छा हमने ऐसा किया था, ये भी नहीं याद होता। लेकिन हाँ, अगर हमको ये जो आप जैसे बोल रहे हैं ना, वैसे उसमें तो ये बात होती है, जब तक हम सोचते हमने किया तो मन ये हमने किया जो है ना, ये होता ही, हमने तो किसी का किया ही नहीं, हमने तो जो कुछ भी हमारे माध्यम से हुआ है, चाहे गुरु जी के लिए चाहे किसी के लिए, वो सब हमारे कल्याण के लिए है। ये बात पहाड़े की तरह से अपने जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में करते समय लगानी पड़ती है, तब कहीं जाके जो है आपको याद ही नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। जैसे कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल, इस हाथ को दे तो इस हाथ को पता ना चले, इस हाथ से दिया है तो इस हाथ को ना भान रहे कि हमने दिया, इसको भी पता ना रहे। बिल्कुल ऐसा हिसाब किताब आपके दिमाग में हो जाएगा कि आपको
क्योंकि जब कभी परेशान करे मन अहंकार से या किसी की घटनाक्रम से, जैसे कोई कोई तेजी करता है या कोई कुछ करता है या कोई हमारे उस कर्म का रिटर्न नहीं देता है, गलत रिटर्न देता है हमको, बदले में बिल्कुल ही कुछ नहीं समझता है ऐसा, तो वहां भी हम कहते हैं लेंगे, हमें क्या मतलब, हमें तो अपने गुरु जी से मतलब है, लेन देन हमारा निपटा और लेन देन की बाजार है, लेन देन निपट रहा है जय भगवान जी की, तो कुछ याद नहीं रहता है, जो सच बात है। तो लेकिन यही है ना, जब तक ये सोचेंगे तब तक तो 20 का करेंगे तो 20 का याद रहेगा, तो फिर तो दिमाग में बड़ा बोझा है, लिए का भी बोझा है, करे का भी बोझा है, कराए का भी बोझा है। एक काम बात हम कहना चाहते हैं, हाँ बोलिए दीदी, अपने साथ करते हैं अपने लिए करते हैं बिल्कुल याद नहीं होता है, क्योंकि वो अपने लिए करते हैं। गुरु को अपना जान के अगर करेंगे तो कभी याद नहीं आएगा। हम समझते ना, हम अलग अलग होके तटस्थ होके हम कुछ भी करते हैं तो वो हमारी मेमोरीज में बना रहता है, हमारी मेमोरीज में कब नहीं आएगा, जब वो मेरा अपना अपने लिए या अपनों के लिए करते हो तो क्या कभी याद आता है, कभी नहीं याद आता। अपने पेट में कई रोटी डाली आज तक एक भी हिसाब नहीं है हमारे पास, अपने पेट में कितनी रोटी हमने डाली हमारे पास तो नहीं है, तुम किसी के पास हो तो बता देना, अगलाई होगी वो है ना, क्योंकि वो दूसरा है उसको अपना मान लो तो उसका भी नहीं याद रहेगा, अपने पेट में डाली तो और उसके पेट में डाली तो एक ही है, हमारी जरूरत हमारी है, आप दूसरे की जरूरत उसकी थोड़ी है, वो भी हमारी जरूरत है, वो भी हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर ये भाव आ जाएगा तो मेमोरी से बिल्कुल निकल जाएगा, ये मेमोरी इसलिए रहता है कि हम अपनेपन में कहीं हमारे अंदर में जो अपनापन है उसमें कहीं थोड़ी सी कमी है, इस बात को मन नहीं मानेगा, मन कहेगा कि हमारे प्यार में कमी बता रहा है, नहीं हमारे भरोसे में कमी है कि हम अपना मान नहीं पा रहे हैं, वो हमारा अपना है, हमारे लिए दिल जान जिगर सब लुटाए पड़ा है और हम उसके लिए एक जरा सा कुछ करते हैं तो हमारी याद क्यों रहता है, क्योंकि हम अपना नहीं मान पा रहे हैं, हम उसको इतना अपना माने कि हम सब कुछ भूल जाए, अपनी हर क्रिया को भूल जाए उसमें, तब उसको हम अपना माने, आज से उसको इतना अपना मानो कि अपने आप को भी उसी में भूल जाओ तो कुछ भी याद नहीं रहे, सब सब ब्लैंक हो जाएगा दिमाग। सही कह रही, दशा ये रहती है, दशा ये दशा ये रहती है, ये असली ये जो है ये सीख है, एक युक्ति है कि क्यों याद आता है, क्योंकि शायद हमारे अपना मानने में कमी कहीं रहेगी, हम उसके उसको अपना बना नहीं पाए, हम उसके बन गए वो हमारा बन जाए ये बड़ी बात है, हम उसके हो गए वो हमारा हो गया, बहुत हम लोग गाते हैं हम तुम्हारे हो गए तुम हमारे हो गए, फिर बातें कहाँ आ गई, नहीं आएंगी दादा, बात मेमोरी में आता है, मतलब हमने उसको अपना अंदर से अंदर, वो भगवान कहते थे ना अतड़ी पतड़ी में पड़ा हुआ है, ऐसे ही अंदर में हमारे अलगाववाद पड़ा हुआ है, मेरा है नहीं मान पाते हैं, भगवान को मेरा जरूर मानो तभी काम बनता है, तभी भक्ति बढ़ती है, तभी आगे कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि वो मेरा है, हम उसके हैं वो हमारा, हम करेंगे किसके लिए, उसके लिए तो करेंगे कितने जाएंगे भाई, कहते हैं तेली का तेल बढ़ता है तो क्या करता है अपनी दीवार मजबूतता है, ज्यादा हो गया क्या करे, अपनी दीवार मजबूत करे, इसी तरह से भगवान के लिए करते हैं तो हम अपनी मजबूती करते हैं, अपनी अपनी नींव मजबूत करते हैं, अपनी दीवार मजबूत करते हैं, अपनी छत मजबूत करते हैं, क्योंकि हम अपनी वो मेरा है, तो भगवान मेरा है करके हमको कभी ख्याल में भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ख्याल में कि हमने भगवान के लिए किया, क्योंकि भगवान ने करा दिया हमने कर लिया, अपने लिए किया तो याद नहीं किया, तो भगवान के लिए किया तो क्या याद करेगा, क्यों याद करेगा, नहीं करेगा, भूल जाएगा। दशा ये भी होती है, हाँ। ये भैया बोल रहे हैं मन की बात होती, मन में जब जिस समय इतना ज्ञान नहीं होता तब ये सब आता है, लेकिन उस समय जब अनुभव हो जाता है और फिर इतना प्रीत हो जाती है आप जो कह रही हैं उसके हिसाब से, तो दीदी हर समय जब भी समय आता है तो लगता है कि हम कर नहीं पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए, मन यही कहता ना हम कर नहीं पाए, हम खिला नहीं पाए, हम बना नहीं पाए, हम कर नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ये सब ख्याल में आता है, ये नहीं आता ये कर दिया ये किया ये किया ये किया, नहीं ख्याल आता नहीं कर पा रहे,
और कर पाते तो अच्छा था। ये उन्होंने बदले में दिया है या जो उन्होंने जो जो कुछ उनकी दात है उसका तो कोई मूल्य है ही नहीं, कोई कर्जा चुकाने का वे है ही नहीं उनकी दात का, जो बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ये जरूर आता है कि वो तो इतना कर रहे हैं, हम तो ये भी नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ भैया जहाँ से बोले वहां से अनुभव कर करके ये बात आ जाती है कि वास्तव में हम लोग कुछ नहीं करते, सब सब उनकी कृपा है उनके। और जो कुछ भी हुआ वो अपने लिए ही किया है, और अपने जब अपनापन पड़ जाता है तो कमी लगती है। जैसे अपने बच्चे को बहुत पहना देंगे कपड़ा ले लगता, लेकिन अगले पल में लगेगा कि अब ऋतु बदल रही है, इसके पास कपड़ा नहीं है, जबकि दर्जनों कपड़े होंगे। तो अपने पन में बात सही है कि यही होता है कि मतलब कमी लगती रहती है हर पल ज्यादा। जो आपने बोला ना रोटी खाने के बाद गिनना नहीं, वही वाली बात कि कोई नहीं लगता ये वाली बात। लेकिन हाँ सब स्टेप्स हैं, तो उधर आगे बढ़ना है ना, जब हमको आगे बढ़ना है तो आगे का स्टेप ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक जगह से हटना पड़ेगा तब दूसरी जगह पहुंच पाएंगे। ये तो भगवान को और अपना मान लो, अभी और अपना मानना है मेरा है, ये बहुत पहले का है, का विश्वास और बढ़ाना है हमको ऐसा लगा। हाँ बिल्कुल सही है, वह मन की बस शुरू की दशा को शायद बखाना। टाइम हो रहा बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, अवगुणों से हम भरे हैं गुण बहुत है कम, अब गुणों से हम भरे हैं गुण बहुत है कम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, होता है ज्योति बिना जैसे दिया बेनू, जैसे दिया बेनू, होता है ज्योति बिना जैसे दिया बेनू, जैसे दिया बेनू, चलती फिर थी हम थी लाशे जिंदगी से दूर, जिंदगी से दूर, ज्ञान दे कर जान डाली कर दिया करम, ज्ञान दे कर जान डाली कर दिया करम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, तन था मैला मन था मैला थी नजर मैली, नजर मैली, तन था मैला मन था मैला थी नजर मैली, थी नजर मैली, हो गई जीवन की चादर इस कदर मैली, इस कदर मैली, आज चमके इस तरह जैसे कोई पूनम,
आज चमके इस तरह जैसे कोई पूनम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, ये खुदा के ये पोशाके और ये सिंहासन, और ये सिंहासन, ये खुदा के ये पोशाके और ये सिंहासन, और ये सिंहासन, हम कहाँ थे इसके काबिल ए मेरे भगवन, ए मेरे भगवन, जो मिला तेरी रहमत से मिला सनम, जो मिला तेरी रहमत से मिला सनम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, भूल कर हस्ती को अपनी यूं न हम भूले, यूं न हम भूले, भूल कर हस्ती को अपनी यूं न हम भूले, यूं न हम भूले, क्या थे और क्या हो गए हम ये न हम भूले, ये न हम भूले, बूंद आखिर बूंद है एहसास हो हर दम, बूंद आखिर बूंद है एहसास हो हर दम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, अब गुणों से हम भरे हैं गुण बहुत है कम, अब गुणों से हम भरे हैं गुण बहुत है कम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम। जय सतगुरु।